जिले में आरके गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर्स एवं इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ठेके पर ली गई सभी 31 खदानों को भौमिक तथा खनिज संचालक द्वारा 5 जनवरी को निरस्त करने के बाद एक बार फिर नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। 15 फरवरी को रेत खदान टेंडर प्रक्रिया कराई गई थी। इस प्रक्रिया से वंचित रहे रेत कारोबारियों ने शनिवार को आपत्ति दर्ज कराई है। एसडीएम कार्यालय पहुंचे रेत कारोबारियों ने टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर समयावधि बढ़ाने की मांग की है। एसडीएम को सौंपे आवेदन में रेत कारोबारी राहुल कुमावत, अंकित मिश्रा, भारत चौहान आदि ने बताया कि 15 फरवरी को की गई टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी खामियों के चलते कई रेत कारोबारी टेंडर डालने से वंचित रह गए। ऐसी ही स्थिति बड़वानी में भी सामने आई थी, जहां कलेक्टर ने ठेका टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। जिले में भी कलेक्टर से 7 दिन का समय बढ़ाने की मांग की है, जिससे वे भी इस प्रक्रिया में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी कर सके। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये 15 फरवरी को करीब 19 जिलों के रेत का टेंडर हुआ था, जिसमें कि खरगोन और बड़वानी भी शामिल थे। खरगोन जिले में कुछ टेक्निकल इशू के कारण हुआ ये कि कहीं टेंडर अपलोड नहीं हो पाए, कहीं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए, जिसकी त्रुटि और सेम जो कहानी है वो बड़वानी में हुई थी, सेम त्रुटि वहाँ भी आई थी। तो वहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने 7 दिन जो इसकी डेट थी अपने टेंडर की उसको आगे बढ़ा दिया। तो हमारा यही निवेदन है कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से, कि वो यहाँ का जो टेंडर है उसकी भी तारीख इन त्रुटियों के चलते 7 दिवस आगे बढ़ा दें। इसके पूर्व में कहीं पर ज्ञापन दिया? इसके पूर्व हमने माननीय प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी के यहाँ भी इस समस्या से अवगत कराया और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम आपका? अंकित मिश्रा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।